भारत सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट को मजबूत करने के लिए एक नया कदम उठाया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब 6 बैंकों की चेकबुक को बंद करने जा रही है। 31 दिसंबर 2017 के बाद इन बैंक की चेकबुक से किसी तरह का ट्रांजेक्शन मान्य नहीं होगा। इस मामले पर फेडरेशन ऑफ ऑयल इंडिया ट्रेडर CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि ऐसी संभावनाएं हैं कि केंद्र सरकार डिजिटल लेन देने को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में चेकबुक की सुविधा खत्म कर सकती है। स्टेट बैंक और एसोसिएटेड बैंक से शुरुआत, जिन बैंक की चेकबुक को सबसे पहले बंद किया जाएगा उनमें स्टेट बैंक और उसकी एसोसिएटेड बैंक शामिल हैं। भारतीय महिला बैंक BMB भी इस लिस्ट में शामिल है। अब बैंक होल्डर्स को नई चेकबुक जारी नहीं की जाएगी। पुरानी चेकबुक के चेक को भी 31 दिसंबर तक भी मान्य किया जाएगा। यानी यूजर को अब ट्रांजेक्शन के लिए बैंक से जुड़े ऐप्स या ऑनलाइन गेटवे का इस्तेमाल करना होगा। लोगों तक डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाने के प्लान, प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि नोटबंदी से पहले सरकार नए नोटों की छपाई पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी। वहीं उनकी सुरक्षा पर 6,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च होते थे। इसके अलावा बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1% और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2% का चार्ज लगाता है। ऐसे में सरकार बैंक ट्रांजेक्शन की प्रोसेस में चेंजेस कर उससे मिलने वाली सब्सिडी को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहती है।